पहले हम लोग को चावल, शक्कर, इलायची चार पांच लेकर पीस लेना है, और फिर हम लोग को ये जब पीस के हो जाएगा हमारा, दूध गर्म करने को रखना है। मैंने 3 लीटर दूध ली हूँ और 3 लीटर दूध गर्म करने को रखी हूँ। बॉईल आने से पहले थोड़ा सा पक जाता है ना, ये खीर मसाला मैंने 1 पैकेट ले ली हूँ। ये खीर मसाला जो है नंबर 1 खीर मसाला, इसमें ये 1 लीटर दूध के लिए रहता है, तो 1 लीटर दूध के हिसाब से चावल इसके अंदर है, तो मैंने 2 लीटर दूध का चावल अलग से पीस ली और ये 1 डब्बा ले ली हूँ। तो अभी हम लोग का जब दूध गर्म होने को आएगा जैसा, तो हम लोग को खाली गर्म होगा जब हम लोग ये जो पीसे है ना चावल, शक्कर, इलायची, ये पाउडर को हम लोग उसके अंदर डाल देंगे। और ड्राई फ्रूट भी काट के मैंने ऊपर से डाल दी थी, तो जो पिसा हुआ था उसके अंदर, तो वो ड्राई फ्रूट्स में मैंने खाली बादाम और काजू लियो। काजू खीर में बहुत अच्छी लगती है। इलायची आप लोग खाते तो आप लोग डाल सकते हैं। हम लोग के घर में किशमिश नहीं खाते हमारे घर में, तो मैं किशमिश नहीं डाली हूँ। और चिरौंजी भी डाल सकते हैं आप लोग, और जो ड्राई फ्रूट आपको काजू भी डालना है, जो भी दूसरा चीज डालना है जैसा कि पिस्ता, तो वो भी आप लोग डाल सकते हैं, पर मैंने काजू और बादाम ली। अभी मैंने ये जो खीर मसाला है, ये खीर मसाला भी मैंने इसके अंदर डाल दी हूँ, कि 1 लीटर की शक्कर इसके अंदर थी। अब ये हम लोग सॉटे करेंगे, मिक्स करेंगे हम लोग इसको अंदर अच्छे से दूध में। और हम लोग को अभी दूध थोड़ा थोड़ा हिलाते रहना है। अभी तो हम लोग ने डाले हैं, तो जैसा थोड़ा चावल पकने को आएगा तो हम लोग को उसको सॉटे करते रहना है। अभी ये हमारी खीर पक रही है, अभी हम लोग को जब ये पकते रहेगी बीच बीच में हम लोग को चम्मच से उसको मिक्स करते रहना है, सॉटे करते रहना है हम लोग को अच्छे से, ताकि चावल नीचे से लग ना जाए। और हम लोग को ये देखते ध्यान रखना है कि नीचे से चावल बिल्कुल लगे नहीं, नहीं तो वो जली हुई बास आएगी खीर में, तो वो अच्छा नहीं लगेगा खीर। तो हम लोग को ध्यान से बनाना है। और खीर एकदम यम्मी शाही दावत की खीर बनकर रेडी हो जाएगी, आप लोग को बहुत पसंद आएगी। आप लोग घर में कोई मेहमान आ रहे हैं बाहर से, आपको बिल्कुल कुछ मीठा ऑर्डर नहीं करना है, ये खीर झटपट बन के रेडी होती है। और अगर आप लोग एकदम ड्राई करेंगे जैसा कि, और उसको और सुखाएंगे चावल को एकदम, और वैसे भी खीर पक पक के सूख ही जाती है वो, तो आप लोग उसको अगर मिट्टी के प्याले में रखेंगे तो एकदम आप लोग को एकदम जैसे वो रमजान में मिलता है ना पिरनी, पिरनी बन जाएगी ये खीर, इतनी डिलीशियस बनेगी। ये मैंने उसमें मिल्कमेड डाली हूँ, एक छोटा डब्बा मिल्कमेड का मैंने खीर में डाली हूँ। अगर मिल्कमेड डाल सकते या खोवा भी डाल सकते आप लोग, जैसा आप लोग का मेहमान है तो उसमें थोड़ा बहुत ये कर सकते हैं। बिना आप लोग खाली घर में बना रहे तो आप लोग इस सब चीज को अवॉइड भी कर सकते हैं। घर में जो भी चीज़ मौजूद है, खीर बनाना तो बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ आप लोग को, ये शाही खीर है जो घर में हम लोग बनाते हैं, वो डब्बे में खीर का डब्बा जो ले गए उसमें आप लोग के केसर मौजूद था, तो हम लोग ने ऊपर से केसर नहीं डाले हैं। उस डब्बे में केसर, शक्कर, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट पाउडर रहता है, ड्राई फ्रूट ज़्यादा नहीं रहता है, ड्राई फ्रूट हम लोग को थोड़ा डालने का, तो खीर अच्छी बनती है। ये देखिए खीर पक रही है। अभी ये चूल्हा बहुत स्लो हो गया था, मेरा छोटा चूल्हा चला गया, मैं देख रही थी नीचे से कि मेरा चूल्हा क्यों नहीं जल रहा है करके, गया ये दूध क्यों नहीं पक रहा है अच्छे से। तो अभी मैं देखते देखते फिर मैंने उसको बड़े गैस को मंगाए हम लोग ने, और बड़ा गैस पे लगा दी। जब से मैं इतने दिन से चूल्हे पे ही पका रही थी, आप लोग देख रहे थे, तो अभी वो चूल्हा खत्म हो गया, तो अभी ये गैस का बाटला मंगा के उस पर लगाया, और ये मैं सॉटे करते रह रही हूँ। और ये देखिए जोश आ रहा है, और फिर देखते रहना आप लोग, बरोबर मिक्स करते रहना जैसे चावल पूरा अच्छे से पक जाए। अभी ये मैं मिक्स कर रही हूँ। अभी असल में मैं पकाते जा रही थी तो मेरी बेटी भी आ गई, और उसको स्कूल से आती है तो बहुत भूखी रहती है, जो सुबह जाती है ना 8 बजे स्कूल, जो स्कूल से 4 बजे आती है दोपहर में,
तो मैंने खीर निकाली थी, फिर मैंने देखी कि चावल थोड़े से इसमें कच्चे हैं, तो मैं और ये खीर जरा पतली बनकर है। देखिए जब मैं निकाल के देखी थी तो मैंने चम्मच से देखी उसको, पहले आप देखिएगा ये चम्मच से, मैंने ड्राई फ्रूट डाली थी, ये लोग को ड्राई फ्रूट तो और लगता है तो ऊपर डाली थी, पर ये खीर थोड़ी पतली है, तो मैं इसको फिर से उसमें डाल दी पतीली में, क्योंकि पतीली को मैंने स्लो पे रखी थी पकने के लिए, लेकिन मेरी बेटी जरा घाई कर रही थी तो मैंने ये प्याले में निकाल ली थी, पर ये देखिए पतली है और इसका चावल भी जरा कच्चा है, पका नहीं है अभी, तो मैं इसको वापस से डाल दे रही हूँ और आपको पका के फिर वापस से मैं बताती हूँ। ये देखो आप लोग देख सकते हैं, अब देखिए ये खीर मेरी बनकर रेडी है।